हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टी ट्री ऑयल के बारे में बताऊंगी और ये टी ट्री ऑयल आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे आपके काम आ सकता है, आपको इस बारे में बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है टी ट्री ऑयल आजकल पिंपल्स के लिए जाना माना नाम है, तो टी ट्री ऑयल के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है और ये इसमें एंटीवायरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बैक्टीरिया को किल करता है और आप इसको पिंपल्स के ऊपर लगा सकते हैं। ये पिंपल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप एलोवेरा जेल के अंदर मिलाकर या किसी भी कैरियर ऑयल के साथ, जैसे कोकोनट ऑयल या किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करके, इसके 2-3 ड्रॉप्स मिक्स करके लगा सकते हैं और ये स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये स्पॉट्स को हटाता है और बहुत अच्छा है स्किन के लिए, स्पेशली पिंपल्स को जल्दी ठीक करता है। टी ट्री ऑयल आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का मिल जाएगा, गुड वाइब्स का या जैसे एल्फ्स गुडनेस का, जैसे मैंने लिया है वैसा। इसका अगर आपको फेस पे मास्क बनाना है तो आप हनी और लेमन के साथ भी टी ट्री ऑयल मिला सकते हैं और अपने स्पॉट्स पर लगा सकते हैं। इससे भी आपके स्पॉट्स रिड्यूस होंगे और ये बहुत अच्छा वर्क करेगा अगर आप इसे वीक में 2 बार यूज़ करेंगे। तो ये ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। आप टी ट्री ऑयल को मुल्तानी मिट्टी के अंदर मिक्स कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा ऑयली स्किन के लिए फेस पैक बन जाएगा और ये आपके पोर्स को भी क्लीन करता है। और हम इसकी स्टीम भी ले सकते हैं। तीसरा तरीका है कि हम इसकी स्टीम ले सकते हैं। पानी में इसकी 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे और इसकी स्टीम लें और ये भी हमारी स्किन को बहुत ही फ़ायदा करता है। इसके अलावा हम टी ट्री ऑयल को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम नहाने के पानी में इसकी 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। इससे हमारे जैसे पसीने की बदबू या कोई भी बैक्टीरिया हो वो भी निकल जाता है। इसके अलावा हम ऐसा कोई फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर टी ट्री ऑयल हो। इसके अंदर जैसे मैं ये एलिमेंट्स का यूज़ करती हूँ, इसके अंदर भी टी ट्री ऑयल है, तो आपको ऐसा कोई फेस वॉश यूज़ करना है जिसके अंदर टी ट्री ऑयल हो। इसके अलावा आप इसका एक टोनर टाइप बना सकते हैं, जैसे टी ट्री ऑयल की 2-3 बूंदें आप एक वाटर के अंदर, थोड़े से वाटर के अंदर डाल सकते हैं और एक स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं और इस स्प्रे बॉटल से आप रोज़ सोते टाइम ये पिंपल्स या पिंपल्स के निशान पर स्प्रे करके सो सकते हैं। इससे आपके स्पॉट्स क्लियर होने लगेंगे, मतलब साफ़ होने लगेंगे और जल्दी आपकी स्पॉट रिड्यूस हो जाएंगे। पिंपल स्पॉट्स को ये एक्टिवली रिमूव करता है और ये बहुत अच्छा होता है पिंपल्स के लिए और ये ऑयल को भी कंट्रोल करता है आपके फेस पे। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं टी ट्री ऑयल को 3 तरीक़ों से। पहला तरीका है हनी लेमन के साथ मिक्स करके। दूसरा तरीका है आप फुलर अर्थ मतलब मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाकर। तीसरा है आप इसको पानी में मिक्स करके इसकी स्टीम ले सकते हैं। इन 3 तरीक़ों से अगर आप टी ट्री ऑयल को यूज़ करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा पिंपल्स के अंदर। तो आप ये टी ट्री ऑयल ज़रूर यूज़ करिए। मेरे पास ये एल्फ्स गुडनेस का है और मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ। पिंपल के मार्क्स को ये धीरे धीरे कम करने लगता है, पिंपल को ठीक करने लगता है। अगर आपके ताज़े पिंपल हैं तो उसको भी ये जल्दी से ठीक करता है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। ये फेस वॉश, कोई सा भी टी ट्री ऑयल वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं और इसे आप पानी में मिक्स करके और रोज़ स्प्रे बॉटल में डाल के लगा सकते हैं। ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इन 3 तरीक़ों से आप इस टी ट्री ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बस।